हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कुक बुक। मैं हूँ आभा और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वेज बिरयानी, और वो भी कुकर में, जो कि झटपट बन जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कर लें, क्योंकि उससे हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। तो चलिए आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये न्यूट्रिला के ग्रेन्यूल लिए हुए हैं। इसे हम पानी में भिगा कर रख देते हैं और इसे फूलने में, चूँकि इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं तो 10 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगता है। अगर आपके पास ना हो तो आप चंक्स भी ले सकते हैं। अब हमने एक बड़ा सा बाउल लिया है, इसमें हम वेज बिरयानी में पड़ने वाली सारी सब्जियों को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए मैंने एक बाउल इसमें कटी हुई गाजर डाल दिया है, एक बाउल मैंने ये फ्रेंच बीन कटा हुआ लिया हुआ है, इसके बाद मैंने एक बाउल शिमला मिर्च जो डाइस के शेप में मैंने काटा है वो डाल दिया, एक बाउल बड़े बड़े पीस में ये आलू कट करके मैंने इसमें डाले हैं, और इसके साथ ही जो न्यूट्रिला ग्रेन्यूल मैंने भिगाए थे वो भी निचोड़ के मैंने डाल दिया, और एक बाउल दही डाल देंगे। इसके अलावा मसालों में हम आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालते हैं, आधा चम्मच हमने गर्म मसाला डाल दिया हुआ है, और आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाला हुआ है। इसमें मैंने थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी डाला है, वो सीन मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ। अब हम इसको मिक्स करते हैं, लेकिन सबसे मेन तो मैंने अभी नमक डाला ही नहीं है, इसलिए अब मैं इसमें टेस्ट के हिसाब से जितना सब्जी है उस हिसाब से नमक डाल दे रही हूँ। और नमक डालकर इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसे आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे। इससे आपका ये सब्जियाँ और ग्रेन्यूल बहुत जूसी बनेगा। अब आगे देखते हैं। इसके अलावा मैंने इसमें 3-4 टेबल स्पून दूध लिया हुआ है, जिसमें 16-17 मैंने ये केसर के रेशे डाले हुए हैं, और इसे भिगोकर रख दिया। अब हमने ये चावल लिया हुआ है, ये 2 कटोरी चावल है। 2 कटोरी चावल को मैंने 2 घंटे पहले पानी में धोकर भिगा दिया था, और साथ में भिगाने के साथ ही मैंने इसमें नमक डाल दिया था ताकि चावल बिरयानी का हमें बहुत फीका ना लगे। अब हम बिरयानी बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने एक कुकर को गैस पर रख दिया है, और अब हम इसमें आधी कलछी के आसपास रिफाइंड तेल मैंने डाला है, और साथ में 1 कलछी मैंने देसी घी भी डाल दिया है। बिरयानी में देसी घी का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, इसलिए देसी घी हमें ज़रूर डालना होता है। जब ये तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब मैंने इसमें 3 प्याज मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई मैं इसमें डाल देती हूँ, और इसे मैं ब्राउन कलर का इसे भूनूंगी। सबसे पहले ऑयल बहुत गर्म रहता है, उस समय हम प्याज डालते हैं, उसके बाद मैं मीडियम फ्लेम पर गैस को कर इसे हम भूनते हैं जब तक कि ये प्याज अच्छे से ब्राउन ना हो जाए। जब मेरा ये प्याज अब ब्राउन हो गया है, इसे हम निकाल ले रहे हैं, इसको अच्छे से निकाल लेंगे सारा, कोई भी प्याज इसमें रह ना जाए। अब इसी गर्म तेल में हमने 2 तेज़पत्ता डाल दिया, और साथ में ये खड़े मसाले, 2 बड़ी इलायची, थोड़ी काली मिर्च, दालचीनी, स्टार मसाला, जावित्री, कुछ 6-7 लौंग और 5-6 हरी इलायची लेकर मैंने इसे भी ऑयल में डाल दिया। और ये जैसे ही ऑयल में डालेंगे ये चिटकने लगेगा, और जब ये खुशबू आने लगेगी। अब मैंने एक छोटा सा प्याज बारीक कटा हुआ डाल दिया है इसमें, और जब तक ये प्याज ब्राउन ना हो जाए इसे हम भूनते हैं। प्याज हमारी थोड़ी सी है, जल्दी ही ब्राउन हो जाएगी। अब हम इसमें मैरिनेटेड सब्जियां जो मैंने रखी हुई थी वो डाल दे दिया है। इसे हम खोल कर भूनते हैं और गैस की फ्लेम को फुल रखते हैं। 1-2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच डालेंगे। इसे मैंने इमाम दस्ते में कूट लिया था, आप चाहें तो इसे पीस कर भी डाल दीजिएगा। इसके बाद इसे हम 5 मिनट तक यूं ही गैस की फ्लेम को फुल रख कर भूनेंगे। अगर गैस की फ्लेम हम धीमे कर देंगे या ढक देंगे तो सब्जियां मॉइस्चर छोड़ देंगी और ये गलने लगेंगी, और हमें इसे गलाना नहीं है, सिर्फ इसे भूनना है। उसके बाद हम जो चावल मैंने आपको दिखाया था वो आधे चावल इस तरीके से डालकर हम इसे हाथों से ही फैला दे रहे हैं। उसके बाद ये थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ हैं, इसे हाथों से ही तोड़कर वो डाल देते हैं इस तरीके से, और ये फ्राइड अनियन जो मैंने अभी अभी फ्राई किया था वो फैला के डाल देंगे। उसके बाद 1 लेयर चावल की और हम इस तरीके से बिछा दे रहे हैं कुकर में। अब हम साथ में ये जो केसर हमने भिगो कर रखा था वो डाल देना है हमें,
थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ फिर से डाल देते हैं और थोड़ा सा मैंने ये फ्राइड अनियन ऊपर से फिर से डाल दिया। इसके अलावा मैंने एक पानी डाल दिया, इसमें पानी हमने जितना चावल था उसका डेढ़ गुना डाला है। अब ये लास्ट में मैंने देसी घी में बिरयानी मसाला घोल कर रखा था उसे डाल दिया है। और ये देखिए पानी हमारा कितना है, चावल जितना जितने ऊपर तक चावल है लगभग उतना ही हमारा पानी है। अब हम कुकर को ढक देते हैं और गैस की फ्लेम को फुल करके प्रेशर आने का इंतज़ार करते हैं। जब एक सीटी आ जाएगी तब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको प्रेशर के खुद ब खुद रिलीज़ होने का इंतज़ार करेंगे। जब तक कि ये पूरा प्रेशर निकल ना जाए आप कुकर के ढक्कन को नहीं खोलेंगे। अब ये देखिए हमारा ये नॉर्मल टेम्परेचर पर हो गया है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये हमारी गर्मा गर्म टेस्टी बिरयानी बिल्कुल रेडी है। आप इसे कभी भी किसी भी समय बहुत झटपट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।